India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं आपका आरआरबी जेई का जो एग्जाम है वो कंटिन्यूस चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है. और उम्मीद करता हूँ कि आपके दो जिन बच्चों का अभी तक पेपर हुआ है, आपके दोस्तों का, आपके भाई लोगों का, वो बहुत ही ज़बरदस्त पेपर हुआ होगा क्योंकि काफ़ी पढ़ाई है उन्होंने करी होगी वाईफाई स्टडी की हेल्प से. और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहला दिन हो या लास्ट दिन हो, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के अंदर वही सवाल आएंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं या फिर आप लोगों ने पढ़े हैं. टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर 2-4% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन दोस्तों जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके वही सवाल आ रहे हैं जैसे कि आपके फर्स्ट डे आ रहे थे. और मुझे उम्मीद है कि आप काफी अच्छे नंबर है जो कि लेके आएंगे. ऑलमोस्ट 70-80% नंबर है जो कि आप लेके आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर. मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं आज पूरे दिन के अंदर जो है वो कैसे सवाल पूछे गए. ज्यादा तो नहीं, लेकिन यहां 20-25 सवाल है जो कि बच्चों ने मेरे को भेजे हैं, तो वो सवाल मेरे पास है तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे कैसे सवाल है जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं आज के दिन के ऊपर. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में पूछा गया, ठीक है. मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे आता है उस दिन है, कितनी तारीख को आता है, 28 अगस्त को आता है. तो आपका आंसर है हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है. वैसे तो बोलते हैं कि थाईबोन होती है, फैमुर होती है, लेकिन दोस्तों फैमुर से भी ज्यादा जो अपने टीथ के ऊपर जो इनेमल होता है ना, जो व्हाइट सब्सटेंस होता है हमारे टीथ के ऊपर, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है. इनेमल तो आपका सही आंसर होना चाहिए. अगर ऑप्शन में नहीं था तो आपके फिर थाईबोन आपके आंसर जो है फैमुर जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है. आगे बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड आफ्टर डेथ जो है वो किसको मिला है. तो अभी आपको मालूम है दोस्तों भूपेन हजारिका जी है, ठीक है, ओके. और साथ में नानाजी देशमुख है, उनको मरणोत्तर मरने के बाद में जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है. तो यह आपका आंसर भूपेन हजारिका जी का भी होगा और नाना जी देशमुख भी हो सकता है. जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा. केरला के गवर्नर के बारे में पूछा गया, केरला की कौन है अपने, क्या बोलते हैं, जो पहले बीजेपी से सीएम की अपने उम्मीदवार थी दिल्ली के इलेक्शन के अंदर, किरण बेदी जी, तो वो केरला की अभी गवर्नर है केरला की, ठीक है. केरला की गवर्नर नहीं है वो, एक्चुअली पौंडीचेरी की गवर्नर है. तो एक पेपर के अंदर तो पौंडीचेरी भी आया था जिसके अंदर किरण बेदी के बारे में पूछा गया, और साथ में केरला के बारे में जो अगर सवाल आया है तो केरला का जो है वो कौन है, सदाशिवम जी है, सदाशिवम जो अपने किसी टाइम पे सीजीआई भी रहे थे. तो सदाशिवम तो होगा आपका केरला का, और पौंडीचेरी का जो है वो किरण बेदी होगा. समझिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, दो सवाल थे तो मैं थोड़ा सा इसमें मैंने केरला को पौंडीचेरी समझ लिया. आगे बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने लिखकर भेजा है. ये देखिए किरण बेदी कौन से राज्य की स्टेट गवर्नर, तो पौंडीचेरी की स्टेट गवर्नर, पुडुचेरी कहते हैं. एक बोगीबिल ब्रिज के बारे में आया, ठीक है, कौन से राज्य में किया गया, तो आसाम में आपको मालूम है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनाया गया बोगीबिल ब्रिज को, तो ये भी ध्यान रखिएगा. और केरला के फेस्टिवल के बारे में पूछा, ओणम आपको मालूम होगा काफी फेमस फेस्टिवल है. प्रेसिडेंट को अवार्ड मिला है 2019 में कौन से देश से, तो क्रोएशिया से मिला था, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. यस बैंक के सीईओ और एमडी के बारे में पूछा, तो राणा कपूर है, कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. इसरो के यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाया था, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ठीक है, यूवी का नाम से स्टार्ट किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हम लोगों ने पढ़ाई करी थी इसके बारे में भी. आगे बात करते हैं चाणक्य किसके मिनिस्टर थे, तो चंद्रगुप्त आपको मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे. हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ, तो भुवनेश्वर के अंदर हुआ था, ठीक है, उड़ीसा के अंदर, ओके. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में सवाल आया. कैपिटल अल्बेनिया आया, तिराना. थॉमसन कप दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है. देखिए थॉमसन कप की बात करूं तो एक तो गोल्फ से भी संबंधित है और एक जो है वो फुटबॉल का भी होता है अमेरिका के अंदर, तो ऑप्शन में जो भी बेटर होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है. दोनों होंगे तो गोल्फ आपका सही आंसर होगा. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर कौन प्रेसिडेंट होता है, तो दोस्तों स्पीकर होता है, जैसे कि लोकसभा के अंदर भी स्पीकर होता है,
वैसे कि एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर भी स्पीकर ही होता है। साबरमती रिवर कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? बच्चे बच्चे को मालूम है दोस्तों, गुजरात। साथ में बात करें गुवाहाटी के अंदर भी जोन के अंदर ये सवाल आया है आपका, कौन सा वाला, ठीक है, कौन सा वाला आया है आपके कि भाई साबरमती ये वाला 2018 के वर्ल्ड कप को लेकर, ठीक है। तो गुवाहाटी जोन के अंदर ये सवाल है जो कि पूछा गया है, ओके। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल है आपका लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। तो चेन्नई के अंदर है मैरीना बीच, तो वो देश का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है। ये देखिए साबरमती के बारे में फिर से एक बच्चे ने जो है वो क्वेश्चन भेजा था, साबरमती के बारे में मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है दोस्तों। साबरमती की बात करें तो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है देश के अंदर, अरावली रेंज से स्टार्ट होती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से और राजस्थान होते हुए गल्फ ऑफ कंबाट होते हुए अरेबियन सी के अंदर मिल जाती है। कोई 350-400 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान और गुजरात दो राज्य हैं जो कि इसको कवर करते हैं, समझ गए। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर अरावली रेंज में एक डैबर लेक करके जगह, डैबर लेक वहां से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, लोकेशन और अहमदाबाद के वहां से होती हुई गुजरती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको मालूम है देश का, और नासा की फुल फॉर्म पूछी गई तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अमेरिका का है ना स्पेस एजेंसी। डेविस कप की बात करें तो आपको मालूम है डेविस कप किसके रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। एलिफेंटा केव्स के बारे में पूछा गया तो महाराष्ट्र मुंबई के पास में ही है, फेरी लेके जाना पड़ता है आपको 100-200 रुपए की। और ICICI के MD के बारे में पूछा गया तो संदीप बख्शी है जो कि ICICI बैंक के MD है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और ये सारे सवाल है जो कि आपके आज के पूछे गए, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे और ऐसे ही सवाल आपको आने वाले दिनों के अंदर भी मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन वही थे जो कि हमने करंट अफेयर में 500 बार कवर अप करें, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। देश का कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आप सुबह 5 बजे और 8 बजे वाला वीडियो देख रहे हैं, आधा घंटा अगर आप अपने जीवन का दे रहे हैं करंट अफेयर को सुबह मेरे साथ, तो यकीन मानिए देश के एग्जाम तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जो आपके अंदर जो ग्रोथ होगी ना, जो नॉलेज की, वो शायद ही कभी भी किसी भी तरीके से पढ़ने पे आपने महसूस करी होगी, ठीक है। तो आपस मिलेंगे कल नए एनालिसिस के साथ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। साथ में दोस्तों आपके लिए NTPC की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 28-29 मई से, ठीक है। तो NTPC की टेस्ट सीरीज के लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 30 मॉक टेस्ट है, 1.5 महीना चलेगा और बहुत ही जबरदस्त तैयारी होगी आपकी, स्पीड एक्यूरेसी के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड होगा। तो ये वीडियो के नीचे लिंक है, तो वहां से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके YFSTD कूपन कोड लगा के RRB का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, तो उसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, NTPC के मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।